वैसे देखो नीचे बोटिंग भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का दिन है बहुत ही स्पेशल। एक्चुअली आज हम जा रहे हैं एक नई प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि मैं जब से ओमान में हूँ वहाँ पर गया नहीं हूँ कभी, तो मुझे किसी ने इसके बारे में बताया है। तो इंशाल्लाह आज हम जाएँगे वहाँ एक नई प्लेस में, एक डैम है तो आपको भी दिखाएँगे। तो इंशाल्लाह बस थोड़ी देर में हम तैयार होकर हम निकलेंगे, तो फिर रास्ते में कुछ अट्रैक्शन होंगी वो भी आपको बताऊंगा, और वहाँ पे जाके आपको पूरा जो डैम है वहाँ पे उसके बारे में भी बताऊंगा। सो बस फ्रेंड्स, इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम निकलेंगे, तैयार होकर अभी निकलते हैं। तो इंशाल्लाह आप भी इंजॉय करें। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी नए हुए हैं वो मेरे चैनल पर, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि उनको मेरी हर नई जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो गाइस, हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर ली है और घर से निकल चुके हैं। तो अपने वीडियो को स्किप नहीं करना, नहीं तो रास्ते में जो आपको ओमान की ब्यूटी है वो आप मिस कर देंगे, क्योंकि रास्ते में सुना है कि रास्ता बहुत खूबसूरत है, यानी पहाड़ों के दरमियान है और बहुत ही खूबसूरत रास्ता बना है ये। तो आप अगर वीडियो मिस करेंगे तो आप ओमान की ब्यूटी को भी मिस करते हैं। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अभी हम हमारा हाइट्स में हैं। एक्चुअली हमारा हाइट जो है ना, एक बहुत ऊंचे पहाड़ के ऊपर इन्होंने ये रास्ता बनाया हुआ, तो बहुत ही प्यारा है, यानी ज़बरदस्त है। हम पहाड़ों के अंदर से, यानी बहुत हाइट से ये गुजर रहे हैं अभी। इसको हमारा हाइट्स का नाम देते हैं। इसको जब हम माउंटेन को क्रॉस करते हैं तो भी हमारा का एरिया आता है, जो ओमान मस्कत में रहते हैं उनको पता होगा। बाद अभी हम बिल्कुल हाइट पे आ चुके हैं और आप यहाँ से देखे सिटी व्यू दे सकते हैं, बहुत हाइट पे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। फ्रेंड्स, हम बिल्कुल मेन रोड पे आ चुके हैं जो देगा डैम की तरफ जाती है। तो अभी बिल्कुल हम उस रोड पे चले जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह रास्ते में आपको व्यू दिखाता रहूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी, तो आप देखते रहिए और वीडियो के साथ जुड़ी रहिए। Senora.
सो गाइस, हम बिल्कुल देका डैम के बिल्कुल पास आ चुके हैं। तकरीबन यहाँ से भी हमको 20-25 मिनट्स लगेंगे एज़ पर गूगल मैप। तो चलिए, अभी हमको यहाँ से राइट लेना है डैम के लिए। उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो ये सामने ये इनकी डेका डैम की एंट्रेंस है, ये आपको गेट मिलेगा, यहाँ से आप इंटर होंगे। तो उसके बाद आगे से 10 से 15 मिनट का रास्ते में आप डेका डैम में पहुँच जाएंगे। तो चले चलते हैं इंशाल्लाह अंदर, तो आपको अंदर का भी नज़ारा दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, 1 घंटे और 10 मिनट के बाद हम इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से डेका डैम में पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं ये ऊपर से डेका जो है डैम का व्यू। तो इंशाल्लाह थोड़ा आगे भी जाएंगे थोड़ी देर बाद, तो आपको आगे अंदर जाके भी डैम का व्यू दिखाएंगे। तो ये देखिए, आप बिल्कुल पहाड़ों के दरमियान डैम बना हुआ, बहुत ही खूबसूरत एक विजिटिंग पॉइंट है। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं डेका डैम में। यहाँ पे एक छोटा सा पहाड़ बना हुआ है, तो सबसे पहले हम लंच करेंगे। लंच काफ़ी लेट हो गया था, तो हमने रास्ते से ये बिरयानी ली थी, साथ सैलड तो रायता हो गया, तो यही हम अभी खाएंगे। तो मैंने कहा चले आपको भी दिखा दें। तो चले खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर आपको मैं डेका डैम का व्यू का व्यू भी दिखाऊंगा और उसके बारे में कुछ बताऊंगा भी। तो चलें, आप वीडियो को इन्जॉय करें। जो चुप कर जो चुप है। सो गाइस, ये है वादी डायका डैम। ओके, कहते हैं कि ओमान का सबसे बड़ा डैम है ये, जो मस्कत से तकरीबन 90 किलोमीटर्स के फासले पर ये आपको मिलेगा, ये वादी डायका डैम जो एक टूरिस्ट प्लेस है, यानी तो बहुत से टूरिस्ट प्लेस यहाँ पे आए हुए, आप देख सकते हैं बहुत से फिर लोगों ने यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे आके वो खाना वगैरह खाते हैं और साथ डैम का इंजॉय करते हैं, बोटिंग भी करते हैं। यहाँ पे नीचे बोटिंग भी है। तो ये कहते हैं कि सबसे बड़ा डैम है। और इस डैम को आने तक आपको रास्ते में तकरीबन 120 वादीज पड़ती हैं, यानी वादी जो है छोटे छोटे पहाड़ों के दरमियान थोड़ी सी वादीज होती हैं, वो पड़ती हैं आपके यहाँ पे। अभी हम थोड़ा सा आगे वेट जा रहे हैं अभी। कैसा लग रहा है वैसे फातिमा आपको? वो पानी भी है। हाँ, इसको डैम बोलते हैं। ये है देका डैम, यहाँ पे बोट भी है, बोट। हाँ, बोट भी करते हैं यहाँ पे। सो गाइस, ये है वादी डेका का डैम का दूसरा हिस्सा, दूसरी साइड पे जहाँ से ये पानी वगैरह को छोड़ते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं वादी डेका का डैम का दूसरा हिस्सा। उसके बाद ये बहुत ही, यानी तो पहाड़ों के दरमियान ये डैम बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत, यानी मैं आके तो शॉक हो गया था कि ये इतना ज़बरदस्त जगह होगी। तो बहुत ही मज़ा किया मुझे, बहुत ही इंजॉय, यानी अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, यानी आपको बहुत सुकून मिलेगा यहाँ पे आके। और ये डैम के साथ ही आपको मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे एक छोटा सा पार्क है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं और खाना वो अपना लंच वगैरह डिनर करें जो भी करना आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। तो यानी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। आप भी आएंगे तो आप भी माशाल्लाह इंशाल्लाह से आपको इंजॉय करेंगे और आप भी खुश होंगे यहाँ पे आके, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है हमको।
तो गाइस तकरीबन 2 घंटे हमने यहाँ पे गुजारे हैं, अभी हम वापस जा रहे हैं, तो काफ़ी टाइम होने वाला था, शाम होने वाली, तकरीबन 5:30 हो गए, तो अभी वहाँ से निकलने लगे हैं। तो अभी पार्किंग तरफ जा रहे हैं, पार्किंग का एरिया है सारा, तो अभी हम पार्किंग तरफ जाएँगे गाड़ी ले कर, तो इंशाल्लाह वहाँ से फिर हम अपने घर पर निकलेंगे। सुबह रात हो जाएगी, टाइम हो जाएगा। अभी हमको तकरीबन 8:30 बजने वाले हैं, ईशा के बाद टाइम हो गए, तो ये रास्ते में भी देखें आप, बहुत ही खूबसूरत है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे दोबारा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।